लोकसभा के रण में अब तीन चरण की जंग बाकी है और पांचवें चरण के लिए प्रचार का शोर आज थमने वाला है। पांचवा चरण किसके नाम रहेगा, इसका फैसला जनता दो दिन के बाद 20 मई को वोटिंग के दिन कर देगी और उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। पांचवें फेज में 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान है, जिसमें बिहार की 5, जम्मू कश्मीर 1, लद्दाख 1, झारखंड की 3, महाराष्ट्र की 13, ओडिशा की 5, यूपी की 14, पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र ऐसे दो राज्य हैं जिनकी सबसे ज्यादा सीटों पर वोटिंग है, लिहाजा शुक्रवार को सियासत का केंद्र मुंबई रहा क्योंकि 20 मई को मुंबई की 6 सीटों पर वोटिंग होनी है। प्रचार के आखिरी दौर में 6 सीटों पर समीकरण को साधने के लिए एनडीए और इंडिया ने हुंकार भरी है। मुंबई का शिवाजी पार्क, जहां एनडीए ने शक्ति प्रदर्शन किया, पीएम मोदी के नेतृत्व में शिवाजी पार्क में महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, राज ठाकरे और रामदास अठावले समेत बड़े नेता मौजूद रहे। 2006 के बाद पहली बार राज ठाकरे बीजेपी के मंच पर नजर आए। तो दूसरी तरफ बीकेसी ग्राउंड में इंडिया गठबंधन की रैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल ने एक साथ एक मंच से एनडीए को चुनौती दी। शिवाजी पार्क में प्रधानमंत्री मोदी ने हुंकार भरी और इंडिया गठबंधन को जमकर घेरा। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडिया गाड़ी की माओवादी इकोनॉमिक्स मुंबई के पहिए ही जाम कर देगी दोस्त। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने असली नकली वाला दाव चल दिया। अब की बार भाजपा तड़ी पार। मोदी जी, आप तो कह रहे कि गंगा माँ ने आपको गोद ले लिया है। जब गंगा माँ में लाशें बह रही थी तो गंगा माँ के आंसू पूछने के लिए आप क्यों नहीं गए थे? मोदी जी भी हमारे देश को पाकिस्तान और बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। इंडिया गठबंधन भारत देश को दुनिया का नंबर वन देश बनाना चाहता है। मोदी जी भारत को बांग्लादेश और पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तय आपको करना है कि आप भारत को किस तरफ ले जाना चाहते हो, बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरफ या दुनिया का नंबर वन देश बनाना। इस बार मुंबई में बीजेपी के सामने अपना गढ़ बचाने की चुनौती है, तो वहीं इंडिया भी इस बार अपना स्कोर ठीक करना चाहता है। तो वहीं गढ़ वाली लड़ाई यूपी की 2 सीटों पर भी है। अमेठी और रायबरेली के समीकरणों को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस खूब पसीना बहा रहे हैं। शुक्रवार को जहां अमित शाह ने अमेठी से बीजेपी उम्मीदवार स्मृति ईरानी के समर्थन में हुंकार भरी, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी साझा सभा में खूब गरजे। अमित शाह ने दावा किया अमेठी और रायबरेली में कमल खिलेगा और 400 पार यहीं से होगा। ये 2 सीट ऐसी है ना, ये 2 सीट पर कमल खिला दो तो 400 पार यहाँ से ही हो जाएगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भाइयों बहनों, ऊपर मोदी जी है और नीचे योगी जी ने पूरे उत्तर प्रदेश से गुंडों को चून चून कर साफ करने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। अरे कांग्रेसियों, किसको डराते हो? 130 करोड़ का देश है जिसका प्रधानमंत्री 56 इंच के सीने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी रायबरेली के रण में सोनिया गांधी भी उतरी। सोनिया ने गांधी परिवार से 100 साल पुराने रिश्ते की याद दिलाई, तो राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, गुड बाय 4 जून, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मंच साझा किया और बीजेपी को चारों खाने चित्त करने का दावा किया। ये जन सैलाब ने रायबरेली की राय तय कर दी है। रायबरेली की यही राय है, भाजपा यहां से जाए।
राहुल गांधी जी का सच्चा रिश्ता रायबरेली से है। अगर रा से रायबरेली है तो रा से राहुल भी है। अमेठी और रायबरेली में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, लिहाजा आज भी दिग्गज प्रचार में हुंकार भरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह अमेठी में दोपहर 3:30 बजे बीजेपी की स्मृति ईरानी के पक्ष में रोड शो करेंगे। दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी प्रचार के अंतिम दिन अमेठी और रायबरेली में दम दिखाएंगी। दोपहर 12 बजे रायबरेली में प्रियंका गांधी रोड शो करेंगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे अमेठी में भी रोड शो करेंगी। पांचवें चरण के प्रचार के खत्म होने के साथ ही आज से बाकी 2 चरणों की जंग और तेज होने वाली है। आज दिग्गज दिल्ली के दंगल का आगाज करने उतरेंगे। पीएम मोदी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा के करतारनगर में चुनावी रण में उतरेंगे, तो वहीं राहुल गांधी भी शाम को 7 बजे चांदनी चौक लोकसभा के अशोक विहार में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर जनसभाएं करेंगे। दिल्ली में 6ठे चरण में 25 मई को वोटिंग है, लिहाजा अब दिल्ली का सियासी तापमान आसमान छूने वाला है।